हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रम टेक विजन। तो आज हम जानेंगे बिटकॉइंस के बारे में, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। दुनिया भर में बिटकॉइंस का वर्चस्व बढ़ रहा है। अब दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला ने भी कह दिया है कि वह जल्द ही बिटकॉइंस को अपने वाहनों के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करेगी। साथ ही उबर कंपनी भी बिटकॉइंस की तरफ बढ़ रही है। क्या आपको पता है बिटकॉइंस क्या है? बिटकॉइंस एक वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे इतनी लोकप्रिय हो गई है कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपये में बराबर पहुंच गई है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि भुगतान के लिए यह क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है। यानी अब इसे करेंसी को भविष्य की करेंसी भी कह सकते हैं। क्या आपको पता है बिटकॉइंस का लेन देन कैसे होता है? बिटकॉइन के लेन देन के लिए उपभोक्ता को प्राइवेट की से जुड़े डिजिटल माध्यमों से भुगतान का संदेश भेजना पड़ता है। इसके जरिए होने वाला भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान के विपरीत है। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, जिसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेनदेन के लिए किया जा सकता है। बिटकॉइन के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव के कारण अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या एक मुद्रा के रूप में कार्य करने में यह सक्षम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल ड्रीम टेक विजन। थैंक यू।